बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, आरक्षण को लेकर बवाल जारी, क्या है आरक्षण का सिस्टम, आखिर क्यों नाराज हैं स्टूडेंट्स। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। बिगड़ते हालातों के चलते हसीना सरकार ने भी अब बड़ा निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा और प्रदर्शनों को लेकर सरकार सख्त हो चुकी है। हालातों पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबैदुल कादर ने शुक्रवार 19 जुलाई देर रात कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा में अब तक 115 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने विदेश दौरे भी रद्द कर दिए हैं। हसीना 21 जुलाई को स्पेन और ब्राज़ील के दौरे पर जाने वाली थी। वहीं बांग्लादेश में आरक्षण सिस्टम की बात करें तो दरअसल बांग्लादेश साल 1971 में आज़ाद हुआ था। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम को लागू किया गया। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% और सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गईं। 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। इससे सामान्य छात्रों को 40% सीटें हो गईं। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों को 5% कोटा जोड़ा गया। इसके बाद सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें रिजर्व हुईं। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था, लेकिन 2009 में इसमें पोते पोतियों को भी जोड़ दिया गया। इसके अलावा 2012 में विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड़ा गया, जिसके चलते आरक्षण की सीमा 56% तक पहुंच गई। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षण को अब खत्म करने की मांग हो रही है। बता दें कि साल 2018 में 4 महीने तक भारी विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था, लेकिन बीते महीने 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था, ठीक उसी प्रकार उसे लागू किया जाए। हालांकि हसीना सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अपील के बाद हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई होगी। बता दें कि बांग्लादेश में हर साल 3000 के आसपास नौकरियां निकलती हैं और जिनके लिए करीब 4 लाख के करीब कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। वहीं बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों के बीच भारत सरकार भी अलर्ट है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में हालात नहीं संभलते हैं तो गृह युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है, जो कि भारत के लिए भी एक बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला होगा। साथ ही बांग्लादेश में करीब 15,000 भारतीय हैं, जिनमें 8,000 से ज़्यादा छात्र भी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।